कोरोना की इस महामारी में जैसा कि हम सबको मालूम है, अब हम इनके साथ ही हमको जीना है, और इसको ध्यान में रखते हुए सांझा संस्कृति जो हमारे साथी लोग हैं, मित्र लोग हैं, कमल गोस्वामी के नेतृत्व में, हमारे आज प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय अरुण तिवारी जी के मुख्य अतिथि में सांसद सुरक्षा किट का वितरण किया गया। और इस किट में सैनिटाइजर है, मास्क हैं, साबुन हैं, हाथ के ग्लोबल है, और काढ़ा भी है, और काढ़े के पैकेट भी हैं, ताकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इस कोरोना में सुरक्षा के दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और ये प्रतीक स्वरूप आज यहाँ शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि शहर की जो बस्तियाँ हैं, क्षेत्र हैं जहाँ इसकी आवश्यकता है, वहाँ हम इसको बांटें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। सांझा संस्कृति के जो हमारे अध्यक्ष हैं कमलपुरी गोस्वामी जी, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। शहीद हुए हैं उसके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और केंद्र की हमारी सरकार गंभीरता से इस ओर विचार कर रही है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको उसका परिणाम दिखेंगे। अभी कोरोना को अनलॉकडाउन की जो बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अनलॉकडाउन की खोली हैं, लेकिन अभी भी कुछ खोलना बाकी है। खास करके सब्जी मंडी वालों के साथ बैठक हुई थी, फ्रूट मंडी खुल गई है, औद्योगिक क्षेत्र खुल गए हैं, मार्केट लगभग खुल गया है, कोर एरिया का मार्केट अभी खुलना बाकी है, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं। तो हम एक कोरोना के जो इसके जो पॉजिटिव जो पेशेंट आ रहे हैं, जो सैंपलिंग हो रही है, उसको ध्यान में रखे धीरे धीरे खोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि पूरा शहर एक साथ खुल जाए। हमने देखा जिस प्रकार मद्रास खुल के बंद हो गया, राजस्थान में बहुत सारे शहर खुल के बंद हो गए, दिल्ली में धार्मिक स्थान खुल के बंद हो गए, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के धीरे धीरे खोल रहे हैं। मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में पूरे प्रशासन का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, और धीरे धीरे उन्होंने लॉकडाउन की तरफ बढ़े, और आने वाले समय में भी उनकी सहयोग की अपेक्षा है। के नाते मैं सांसद श्री शंकर ललवानी का आभारी हूँ कि उन्होंने एक बहुत अभिनव पहल की है। सांसद सुरक्षा किट जो है, ये समय की आवश्यकता है, और इस जरूरत को पूरा करने की ओर सांसद जी का ध्यान गया, और उन्होंने इसकी शुरुआत हमारे क्षेत्र से की, इसलिए मैं इंद्रपुरी रहवासी संघ का अध्यक्ष होने के नाते उनका शुक्रगुजार हूँ। सांझा संस्कृति के अध्यक्ष भाई कमल ललवानी, कमल गोस्वामी के माध्यम से ये जो अभियान शुरू किया गया है, मुझे लगता है कि यह मूर्त रूप लेगा। और दूसरा मेरा ये कहना है कि सांसद जी की ये पहल जो है, देश भर के सांसदों के लिए एक अनुकरणीय पहल साबित होने वाली है, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण के दौर में आवश्यकता ऐसी चीज़ों की ज़्यादा है, क्योंकि हम बार बार संदेश ये दे रहे हैं कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो, खुद को सुरक्षित रखे, तो आखिर खुद को सुरक्षित कैसे रखेगा। ऐसे जागरूक सांसदों ने जो पहल की है, उसी के कारण हमारे सांसद जी ने आज जो पहल की है, उसी के कारण व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। ये एक बहुत व्यापक अभियान है, मुझे लगता है कि यह सोच अपने आप में जो विकसित हुई है, और उसके बाद जिस तरह से इसे अमल में लाया जा रहा, ये एक बड़ी पहल है। मैं इंद्रपुरी के रहवासियों की ओर से सांसद जी का और कमल गोस्वामी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने एक बहुत अभिनव पहल की, और इसकी शुरुआत हमारे क्षेत्र से की, इसलिए मैं आभारी हूँ।